पूरी मैक्रो का वन शॉट डिटेल्ड दैट इज 40 मार्क्स का पोर्शन डन तो आज हमें इतना ही करना है हमारा 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स रेडी हो जाएगा अच्छा लगता है ना सुन के सिक्सटी मार्क्स का इकोनॉमिक्स रेडी मेहनत करो आगे बढ़ो 80 स्कोर करना है चलिए लेट्स बिगेन शुरू करते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट के साथ नाम से शुरू करें रूरल डेवलपमेंट रूरल मतलब ऐसे एरियाज जो शहर नहीं है यानी जो गांव वाले एरियाज हैं ठीक है, है? जेडे पिंड वाले एरियाज ने उसके बाद पंजाबी में बोल रहा था, था थोड़ा सा डेवलपमेंट का मतलब क्या है उस पर्टिकुलर एरिया की तरक्की उस पर्टिकुलर एरिया की तरक्की तो इसका मतलब जितने भी एरियाज हमारे रूरल में आते हैं और वो कैसे डेवलप हो रहे हैं वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है ठीक है चलो नाउ सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पहले देख लेते हैं लाइक like, सबसे पहला आता है डिस्ट्रेस सेल डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कई बार फार्मर्स को जिनके पास बहुत सारे लोन्स होते हैं उन्हें अपना लोन्स पे करने होते हैं तो उनको पे करने के लिए उनको अपनी फसल देनी पड़ती है और उसका उनको अच्छा कोई पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि उनके ऊपर बर्डन होता है बहुत ज्यादा लोन्स का तो वो बेचारे ना चाहते हुए भी अपनी फसल देते हैं ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल इच्छा नहीं थी पैसा भी नहीं मिला तब भी फसल देनी पड़ी उसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड कंपेल्ड समझ रहे हो प्रेशराइज टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइज इज देना पड़ता है नंबर बेसिकलीपरेटिव मार्केटिंग 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 क्या होता है बेसिकली में सोसाइटीज डेवलप होती हैं जिसमें फार्मर्स एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो मिलकर सेल करते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है अब देखो मार्केट में एक सेलर होगा दो सेलर होंगे आपस में कंपीट करेंगे कम प्राइस मिलेगा और दो तीन सेलर्स सेलर अगर तीनों मिलकर आ जाए तो एक ही फर्म बन गई एक तरीके से अच्छा प्राइस मिलेगा ना तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज तो यहाँ पे क्या हो रहा है अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली कलेक्टिवली का मतलब मिल्क के बेचना है एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑर्डर टू ऑबटेन बेटर प्राइस है ना जैसे कि मिल्क कॉपरेटिव इन गुजरात आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेटिव मार्केटिंग यानी जैसे हम मिल्क कऑपरेटिव की बात करते हैं अमूल कितना बड़ा ब्रांड बन गया आज अमूल इज अ अपरेटिव अगर आपको पता हो तो और पूरे इंडिया में आज मिल्क सप्लाई करता है राइट इसके बाद आता है ऑपरेशन फ्लड जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा ना उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आता है वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन हमारे पास होता है जब ट्रेमेंडियस ग्रोथ हुई थी किसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में उसको क्या बोला जाता है द वाइट रेवोल्यूशन इट इज सिस्टम ऑफ मिल्क लॉन्च इन सिक्सटीन नहीं 1966 में तो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वाइट रेवोल्यूशन आया है बच्चे हमारे पास 1970 में दिस इज अ प्लीज ये ध्यान से लिख लेना ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1966, 65, 66 और वाइट रेवोल्यूशन इन 1970. ठीक है इसमें क्या हुआ था जो जितने भी हमारे पास मिल्क के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बोला यार हम अलग अलग बेचेंगे आपस में कंपीट करेंगे प्राइस कम मिलेगा क्यों ना हम एक साथ हो जाएं, एक साथ मिल के बेचेंगे तो हम ही हैं बेचने वाले बस अच्छा प्राइस मिलेगा है ना तो क्या होता है सिस्टम रिक्वायर्स टू पूल देर प्रोड्यूस ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल मिल्क इन इंडिया है इनका एक बेसिक एपी सेंटर है इट हैज प्रूव टू बी एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ इनकम जनरेशन इन रूरल एरियाज ठीक है नेक्स्ट इज गोल्डन रेवोल्यूशन सर जर गोल्डन रेवल्यूशन है उसमें क्या हुआ था तीनों याद रखने ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में इट रेवोल्यूशन मिल्क में गोल्डन रेवोल्यूशन फ्लावर्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या लिखा है और honey में हैल्चरल वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड हनी ठीक है मेनली इसके अंदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स और हनी कवर होते हैं द पीरियड बिटवीन 1991 से 2012 हजार बारह Known as the period of golden revolution in India. इसको हम golden revolution consider करते हैं। तो अगर हम बोले, आ, वीट में में, में कौन सा revolution है, तो हम बोलेंगे green revolution, honey में, vegetables में अगर हम बोलेंगे अगर बात करें तो गोल्डन रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट्स में तो व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक है चलो अब आते हैं हम लोग एक बेसिक टॉपिक के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल टॉपिक को क्या बोला जाता है रूरल डेवलपमेंट तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा प्लान डेवलप करना जिसमें रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो पाए हर तरीके से हो पाए अब सर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कैसे होगा किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट तब होता है जब वो पर्टिकुलर एरिया जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है अगर वो प्रॉब्लम दूर कर दी जाए तो हमारे रूरल एरियाज में दो प्रकार की प्रॉब्लम्स थी एक जो पुराने समय से चलती आ रही थी जिनको हम बोलते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस जो पहले से चली आ रही हैं और एक वो जो अब लेटेस्ट आ रही हैं सामने नई नई निकल के आ रही हैं जिनको हम बोलते हैं चैलेंजेस तो लिंगरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो पहले से रूरल एरियाज में नंबर इज रूरल क्रेडिट पैसे की समस्या नंबर टू रूरल मार्केटिंग यानी सामान बना लिया अब इसको कैसे बेचे रूरल मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम है दूसरा जो थी हमारे पास नई चैलेंजेस जो अब आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास नई चैलेंजेस नंबर वन सस्टेनेबल लेवलीहुड सस्टेनेबल ड का मतलब होता है कि हम लोग इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि हम भी सर्वाइव कर जाएं और आने वाली जनरेशन भी सर्वाइव कर जाएं अच्छे तरीके से नंबर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ये हमारी लेटेस्ट चैलेंजेस है जिनपे हमें काम करना है तो देखो क्या लिखा हुआ है इट रेफर्स टू एन एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ एक ऐसा प्लान हो जिससे हम सभी एस्पेक्ट रूरल लाइफ के बेटर कर पाएं एक्शन प्लान इज टू बी फोकस ऑन लिंगरिंग एंड एमरजिंग चैलेंजेस इन रूरल एरियाज लिंगरिंग और एमरजिंग चैलेंजेस ठीक करना ही हमारा फोकस रहेगा द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग मैंने बता दिया इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे एमरजिंग चैलेंजेस इंक्लूड एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लेवलीहुड अदर देन फार्मिंग हमारी फार्मिंग से हट के एक किसान के पास क्या क्या ऑप्शन हैं इससे क्वेश्चन आता है पक्का इसको अच्छे से पढ़ेंगे और दूसरा था चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये चार्ट आप बना सकते हो ये काफ़ी काम आएंगे हो गया स्क्रीन चलो शुरू करते हैं हम लोग लिंगरिंग चैलेंजेस के साथ जिसमें सबसे पहला चैलेंज आता है हमारे पास द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट सबसे पहला जो आएगा वो आएगा द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट रूरल क्रेडिट की जब मैं बात करता हूं तो पैसे की समस्या भाई किसान को पैसा चाहिए ना सब कुछ करने के लिए तो इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या करे देखो क्या लिखा हुआ है रूरल क्रेडिट मींस द क्रेडिट फॉर फार्मिंग क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स भी फार्मिंग फैमिलीज हैं वो ज्यादातर के पास या तो बहुत कम जमीन है या है ही नहीं ना के बराबर जमीन है एंड आर प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस बस इतना ही ग्रो कर पा रहे हैं कि सर्वाइव कर पाए कोई भी सरप्लस नहीं होता फर्दर सेल के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है पैसा लोन लेने के लिए उसके बाद द जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बीज बोने से लेके फसल काटने के बीच का जो समय है वो काफी बड़ा है तो इस बीच में किसान कहाँ से खाना खाएगा रोटी कहाँ से खाएगा पैसे की जरूरत पड़ेगी ना ये भी क्रेडिट की नीड्स को बढ़ा देता है ठीक है अब नीड्स कितने प्रकार की होती हैं सर एक होता है शॉर्ट टर्म नीड शॉर्ट टर्म नीड में मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो अप टू वन ईयर मतलब कोई भी ऐसा लोन लेना जो एक साल के अंदर आप चुका दोगे ये बेसिकली सीड्स के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स के लिए इसलिए लिया जाता है अगर पैसे का लोन ले रहे हो आप एक से पाँच साल के लिए उसको हम मीडियम टर्म बोलते हैं एक से पाँच साल और अगर वो पाँच से बीस साल के लिए है भाई जमीन वमीन लेनी है या पर्मांट इंप्रूवमेंट कराना है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं देखो क्या लिखा है शॉर्ट टर्म द लोन्स आर रेज फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स छः से बारह महीने के लिए हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं मीडियम टर्म एक से पाँच साल लॉन्ग टर्म पाँच से बीस साल ठीक है ये किस लिए चाहिए होता है ये चाहिए होता है रॉ मटेरियल लेने के लिए परचेज ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इसके लिए ये किस लिए चाहिए ये चाहिए अगर आपको कोई मशीन लेनी है ट्रैक्टर वगैरह लेना है फेंस बनाने हैं वेल्स डिग करने हैं उसके लिए मीडियम टर्म चाहिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो एडिशनल लैंड अगर हमें खरीदनी हो या परमानेंट इम्प्रूवमेंट कराना हो एग्जिटिंग लैंड पे तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आ गया ठीक है डन चलो जी अब आता है हमारे पास द दोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट भैया पैसे आएंगे कहां से तो दो सोर्स होते हैं एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल वो हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं हमारे आसपास बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंक हैं जैसे रीजनल रूरल बैंक ठीक है अलग अलग रीजन के होते हैं रूरल बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन uh, सेटअप हुए हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स फ्रेंड्स फैमिली इनसे पैसा लिया जा सकता है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं तो इसमें देखो बहुत ख़तरनाक सी चीज़ आपको बढ़ाने वाला हूँ वो ये है कि पहले के टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे था ता 93%, 93 नहीं पाता था तो नाइनटी थ्री लोग अपने आस पास से लोन लेते थे प्राइवेट मनी लेंडर्स से और इस तरीके की चीजों से ठीक है दीज इंक्लूड लैंडलॉर्ड विलेज ट्रेडर्स मनी लेंडर्स ए टी सी और इंस्टीट्यूशनल की बात करें दीज अकाउंटेडलीवन परसेंट ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर्स इन दिग्निंग ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बट प्रेजेंटली अभी हो गया है सिक्सटी सिक्स अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे 66 परसेंट लोग डिपेंडेंट है और नॉन इंस्टीट्यूशनल पे बचे हुए 34 ठीक है इसके अंदर क्या क्या आता है गवर्नमेंट बैंक्स आ गए कॉमर्शियल बैंक्स आ गए कॉपरेटिव आ गए रीजनल रूरल बैंक्स आ गए सब इसमें कवर हो जाते हैं अब बात करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पहले बता दिए जो पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कौन सी हैं जो सोसाइटीज़ फार्मर्स नहीं इनके मेंबर्स जो होते हैं वो फार्मर्स ही हैं उन्होंने मिलकर सोसाइटी सेटअप करी हुई है अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए उनको हम कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बोल देते हैं क्या लिखा है दीज सोसाइटीज प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी रीजनेबल रेट पे होता है दीज सोसाइटीज मेक श्योर ताकि रैपिड और टाइमली क्रेडिट मिल सके फार्मर्स को एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स ये जो बीच में मनी लेंडर्स हैं इनकी ज़रूरत ना पड़े ताकि ये फार्मर्स को लूटे ना टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल द रीजन सभी रीजन्स में बराबर समान पैसा दिया जा सके प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन द एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट और ऐसे एरियाज जो स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं उनको पहले पैसा प्रोवाइड करा जाए जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो 1616 -16 से 17 परसेंट हमारे रूरल क्रेडिट का पार्ट बनती हैं यानी जितना भी मार्केट में सर्कुलेशन में पैसा है उसका 16 से 17 परसेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से आता है ठीक है तो पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्रेडिट सोसाइटीज हो गई दूसरा एस आप जानते ही हो एस और दूसरे कमर्शियल बैंक एस आपको पता है सेटअप ही बेसिकली इस काम के लिए हुआ था एस का जो मेजर सेट होने का पर्पज था बनने का पर्पज था वो रूरल एरियाज़ का ही डेवलपमेंट था बाद में एस हर काम में चला गया तो क्या है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव फोकस ऑन रूरल क्रेडिट नीड्स इट इज़ रियलाइज दैट रूरल क्रेडिट नीड्स को नॉट बी मेट बाई क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज़ अलोन। सोसाइटीज से नहीं हो सकता तो बैंक की ज़रूरत पड़ गई तो हमारे पास जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन uh, सोर्स था वो कॉपरेटिव क्रेड सोसाइटीज़ है दूसरा हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तीसरा क्या आता है हमारे पास नंबर थ्री आर और एल डी क्या होते हैं हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स अलग अलग रीजन्स के आप बैंक्स देखते हो ना अलग अलग स्टेट्स के नाम से होते हैं अलग अलग रीजन के नाम से होते हैं उनको हम बोलते हैं आर और इसी तरीके से छोटे छोड़ छोटे बैंक्स होते हैं लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन्स देते हैं उनको हम बोलते हैं एल लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या लिखा है आर आर बीज एंड एल डी बीज वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज देखो रूरल बैकवर्ड एरियाज के लिए हैं कौन से level पे operate करते हैं? District level पे करते उधार देना है किसको रूरल पॉपुलेशन को अब एग्जाम में ना इनके एग्जाम्पल्स भी लिखाना जैसे आप बोल दोगे पंजाब ग्रामीण बैंक पंजाब ग्रामीण बैंक ऐसे ही उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ऐसे ही त्रिपुरा ग्रामीण बैंक तो तीन चार एग्जाम्पल लिख दोगे ना कोई नहीं लिख रहा होगा ट्रस्ट में टीचर को लगना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ा लिखा बच्चा है इसके बाद क्या आता है नंबर चार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इसको तो भाई बहुत अच्छे से तैयार कर लेना ये एपेक्स बॉडी था सबसे बड़ा बॉडी है किस चीज के लिए रूरल क्रेडिट के लिए क्या लिखा है नाबार्द इज एन ए पैक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज़ वन मार्कर में आएगा लाइन एज इट इज़ तुम्हें नाबार्द लिख के आना है बस वहाँ पे ठीक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फंक्शंस क्या थे सब यही फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं क्या एक एपेक्स फंडिंग एजेंसी यानी फंड करना पैसा देना रूरल एरियाज में अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने ताकि क्रेडिट ईजिली पहुँच सके डिलीवर हो सके जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँच सके उसके बाद कोऑर्डिनेट करके चलना रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सभी इंस्टीट्यूशंस की जो भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनकी सबकी एक्टिविटीज़ uh, को कोऑर्डिनेट करके चलना उसके बाद टू अंडरटेक मॉनिटरिंग मॉनिटर करना इवेल्यूएट करना कि जितने भी प्रोजेक्ट्स को इसने पैसा दिया है क्या वो प्रोजेक्ट सही से हो भी रहे हैं पैसा सही लग भी रहा है तो हमारे पास चार चीज़ें हो गई जो हमें यहाँ से पढ़नी है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में नंबर वन क्या आ गया हमारे पास कॉपरेटिव सोसाइटीज दूसरा एस बी तीसरा आर आर बीज एंड एल डी बीज चौथा है अब अगर हम बात करें रूरल बैंकिंग के एक केवेल्यूएशन की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रूरल बैंकिंग में आ रही थी सही है तो प्रॉब्लम्स क्या, क्या क्या थी देखो सबसे पहले सफिशंसी नहीं थी सफिशियंसी हमें देखने को नहीं मिली मतलब द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री इज अनसफिशेंट जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं दे रहे यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है इसके आगे साफ साफ लिख देना इसको लिखना आप लोग अच्छे से सफ़िशिएंसी की जगह इनसफ़िशिएंसी लिखना हेडिंग में इनसफ़िशिएंसी लिखना और बहुत क्लियरली लिख देना डिमांड फॉर फाइनेंस या डिमांड फॉर रूरल क्रेडिट इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर रूरल क्रेडिट जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है किससे सप्लाई से ठीक है नंबर टू इन एडिकुएट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाए हैं यानी वो सिर्फ कुछ फार्मर्स तक पहुंचे हैं बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कवर ही नहीं हो पाते क्यों नहीं हो पाते क्योंकि कई बार सिर्फ रिच फार्मर्स को मिल जाता है पैसा जो पुअर है जिसको एक्चुअल में चाहिए उसको मिल नहीं पाता तो हम लोग ये बोलते हैं कि कवरेज भी इन है नंबर थ्री लो अटेंशन टू पुअर फार्मर्स वही पॉइंट आ गया कि जो छोटे फार्मर्स हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है रखने के लिए उनके पास पेपर्स नहीं है उनके कोई आधार नहीं बने हुए उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया भाई तुम किस लिए बनाए गए हो उन्हीं पर तो ध्यान देने के लिए बनाए गए हो लेकिन फिर वही बात है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंडिया के ऊपर कई बार एक सोशल डेड वेट बने हैं ठीक है तो क्या लिखा है लेसर अटेंशन हैज बीन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीडी फार्मर्स ऑल्सो वेल टू डू फार्मर्स आर गेटिंग मोर अटेंशन ड्यू टू बेटर क्रेडिट वर्दीनेस जिनका अच्छा वर्दीनेस है उनको पैसा मिल रहा है नंबर चार इनएडिकुएट अमाउंट ऑफ सैंक्शन सैंक्शन का मतलब होता है बच्चे लोन पास होना तो जो लोन पास हो रहा है वो इन एडिकुएट हो रहा है भाई मुझे जरूरत है पचास हजार रुपए की लोन पास हो रहा है बीस हजार रुपए का तो क्या करूंगा मैं मेरा काम ही पूरा नहीं होगा तो जो सैंक्शन हो रहा है वो इनएडिकुएट हो रहा है ये भी एक प्रॉब्लम है सबसे पहली प्रॉब्लम इनसफिशियनएडिकुएट कवरेज लेस अटेंशन और इनएडिकुएट अमाउंट ऑफ लोन सैक्शन ठीक है जी देन वी है मतलब ये होता है कि लोन पे लोन चढ़ता जा रहा है और तब भी एक कंसर्न बना हुआ है प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिटर्न ओवरड्यूज क्यों बढ़ रहे हैं देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यानी जो फार्मर्स है उनके ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है क्या रीजन है देखो क्या लिखा हुआ है द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन अ बैक सीट आफ्टर द रिफॉर्म्स इसका मतलब जो हमारे पास 1991 के बाद रिफॉर्म्स आए उन रिफॉर्म्स के बाद जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे या इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन थे वो ग्रो ही नहीं हुए उन्होंने तो एक बैक सीट ले लिया पीछे बैठ गए उसमें ग्रोथ है ही नहीं एक्सेप्ट द कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को अगर छोड़ दो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपोजिट मोबिलाईजेशन लेंडिंग टू द नीडी बोरवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी अगर हम कमर्शियल बैंक को छोड़ दें तो इस तरीके के अदर इंस्टीट्यूशन बिल्कुल फेल हो गए हैं कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है इनके पास आगे लोन रिकवर नहीं हो रहे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पाए बिल्कुल फ्लॉप हो गए ठीक है जी अब इसको सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करा जाए क्या कर सकते हैं हमें तो हमें बैंक्स को अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी जस्ट बींग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स यानी बैंक्स को सिर्फ एज अ लेंडर नहीं रहना एक रिलेशनशिप बनाओ भाई कस्टमर के साथ कस्टमर तभी तो तुम्हारे पास आके बात करेगा अपना पैसा भी जमा करेगा तुम्हारे पे भरोसा भी करेगा तुम तो एक लेंडर बन के रह गए हो बस फार्मर शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू इनकलकेट हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फार्मर्स को भी अवेयर करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इन इंस्टीट्यूशन की और किस तरीके से आप इनसे बेनिफिट ले सकते हो तब ये इंप्रूव हो सकता है सिस्टम ठीक है जी अब आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये दूसरी प्रॉब्लम है पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई जो कि फाइनेंस की, की प्रॉब्लम थी पैसे की समस्या थी क्रेडिट की समस्या थी दूसरी आती है मार्केटिंग अब मार्केटिंग क्या है देखो मार्केटिंग में आता है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व छह चीजें आ जाती हैं एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी की छह चीजें मैं इसको बोलता हूँ जी पी जी पी एस एस यानी मार्केट में अपना प्रोड्यूस ले जाने के लिए एक फार्मर को छः स्टेप से गुजरना पड़ता है नंबर वन इज गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग जब हार्वेस्टिंग हो गई जब फसल कट गई तो सबसे पहले तो गैदर कर लो सारा प्रोड्यूस गैदर करो गैदर करने के बाद प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने का मतलब उसकी साफ सफाई कराओ उसको प्रॉपरली प्रोसेस करो देखो उसके अंदर से क्या क्या एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं उसकी प्रोसेसिंग कर लो प्रोसेसिंग करने के बाद ग्रेड करो कि ये कौन सी क्वालिटी का है जैसे चावल कई क्वालिटी के आते हैं ना वीट कई क्वालिटी का आता है तो ग्रेडिंग करो उसकी प्रॉपरली देन पैकिंग करो अलग अलग जो प्रेफरेंस है बायर की उस उस तरीके से पैक करो भाई आटा छोटे पैकेट में भी आता है बड़े पैकेट में भी आता है चावल अलग अलग तरीके के पैकेट्स में आते हैं तो सबसे पहले जीपी जीपी पैकिंग तक पहुंच गए पैकिंग के बाद फिर क्या करना है स्टोर करो क्योंकि अभी बनाया है तो अभी तो सारा नहीं बिकेगा तो स्टोरिंग करनी पड़ेगी और लास्ट में जब टाइम अच्छा मिले प्राइस अच्छा मिले तो फिर बेच दो सेल करो तो मार्केटिंग में छह चीजें आ जाती हैं हमारे पास यहाँ पे एग्रीकल्चर में जीपी पी एस जी एस सबसे पहले गैदर कर लो फिर प्रोसेस करो फिर उसके बाद आपको क्या करना है उसमें गैदरिंग हो गई प्रोसेसिंग हो गई उसके बाद ग्रेडिंग करो जो ग्रेड है एक ए क्वालिटी है बी ग्रेड है सी ग्रेड है ग्रेडिंग होती है अलग अलग है ना फिर उसके बाद क्या करना है आपको उसकी पैकिंग करनी है पैकिंग करने के बाद स्टोर करो जब तक अच्छा प्राइस नहीं मिलता अच्छा प्राइस मिलेगा बेच दो ये सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आ जाता है ठीक है इसके बाद क्या है सर नेक्स्ट क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्यों नहीं अच्छा चल पा रहा था नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी अब मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाऊँ अपने प्रोड्यूस को अगर मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए अभी देखना यहाँ पे हम दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे जब हम पढ़ेंगे कि सरकार ने क्या करा इसको इम्प्रूव करने के लिए तो यही बोल देंगे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी भैया दे दी फोर्स सेल्स जो मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुका हूँ डिस्ट्रेस सेल वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जमींदार के कर्जे के अंदर दबा होता है किसान उसको अपनी फसल उसी को बेचनी पड़ती है बहुत कम प्राइस में भी तो फोर्स सेल एक बड़ी प्रॉब्लम है न्यूमरस मार्केट चेंजेस मार्केट में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं सरकार नए नए नियम लाते रहते हैं जिसके चक्कर में किसान का नुकसान होता है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज पैसा नहीं है किसान के पास लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज वेयर हाउसेज नहीं है स्टोरिंग प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन जमींदार्स की मैं बात कर रहा था मिडल मैन ने बहुत लूटा है किसान को अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स वेट्स नहीं है प्रॉपर कौन सी फसल किस भाव में तुलनी है कैसे तुलनी है वो नहीं है उसके बाद इनएडिकुएट मार्केट इन्फॉर्मेशन किसान के पास प्रॉपर जानकारी नहीं है कि डिमांड क्या है प्रेफरेंस क्या है कस्टमर की किस प्राइस पे बिकना चाहिए तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको लिखनी है ठीक है जी अब आता है सरकार ने क्या करा मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए तो जो मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम्स हैं वही सब गवर्नमेंट ने दूर कर दी जैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बना दी ताकि प्राइस अच्छा मिल जाए फार्मर्स को तो क्या लिखा है यहाँ पर द गवर्नमेंट इज़ एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ द एम इज़ टू रियलाइज फेयर प्राइस ये दोनों लाइन ज़रूर लिख के आना फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस उनको अपने प्रोडक्ट्स का अच्छा पैसा मिल जाए

गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स ठीक है सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एंड ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर्स देन ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी तो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट दे दिया सब्सिडाइज का मतलब कि आप आओ रेलवे को यूज करो आप हमारे ट्रांसपोर्ट को यूज करो और हम आपको सस्ते टिकट में सस्ते रेट पर आपको मदद करेंगे इफ यू आर अ फार्मर उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब अवेयर करना अलग अलग प्रोग्राम्स चलाना मीडिया की मदद से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, प्रिंट मीडिया इंटरनेट टीवी पे जो आता है वो सारी चीज़ें कवर करना सो so दैट किसानों तक भी जानकारी जाए और कस्टमर्स तक भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब जानते हैं एमएसपी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसान को ये बोला जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस से नीचे मत बेचना इतने का हम ले लेंगे इससे ज्यादा का बिकता है तो आप बेचो मार्केट में हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आपको कोई इससे कम पैसा दे रहा है तो मत देना भैया हम आपका प्रोड्यूस इतने में खरीदने के लिए तैयार है ठीक है उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट्स यानी मार्केट्स में हर चीज के प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए

क्या क्या ऑप्शन हैं अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए यानी उसका नॉर्मल मार्केट तो है ही उसके साथ क्या क्या ऑप्शन हैं आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर रे ऑफ होप टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ठीक है जैसे स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान वो लॉन्च कर रहे हैं इस चैनल को जिसको बोल रहे हैं वो अपनी मंडी ठीक है पंजाब हरियाणा राजस्थान अपनी मंडी बिग बाजार एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इट थ्रू रायतू बाजार ठीक है नहीं है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बोल रहा है रायतू बाज़ार के नाम से पंजाब हरियाणा राजस्थान बोल रहे हैं अपनी मंडी बिग बाजार के नाम से तमिलनाडु बोल रहा है उजावर सैंडीज के नाम से तो अलग, अलग 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 मंडीज अपने अपने नाम से स्टेट्स बना रही हैं ताकि फार्मर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सके बेच सके इट इज होप दैट दी सिस्टम्स ऑफ मार्केटिंग ग्रो इन टेंडम ग्रोथ ऑफ नेशन नेशन के साथ धीरे धीरे बढ़ें और प्रॉपर फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए पैसा मिले ठीक है जी याद कर लेना लिख के आना इसके बाद आता है आप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर को कैसे डाइवर्सिफाई करा जाए डाइवर्सिफाई का मतलब वाइडन अप करा जाए ब्रॉडन अप करा जाए किस तरीके से किसान अच्छा काम कर पाए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू री एलोशन फार्मक्टिव रिसोर्स इन टू तो न्यू एक्टिविटीज इसके क्या क्या, -क्या बेनिफिट्स होंगे नंबर वन सबसे पहला एक तो मार्केट रिस्क कम हो जाएगा क्या होगा मार्केट रिस्क कम हो जाएगा सभी क्रॉप्स का प्राइस मे नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम इसका मतलब क्या है बेसिकली अब डाइवर्सीफाई करने का मतलब क्या है किसान को इनकरेज करा जाएगा कि भैया आप सिंगल क्रॉपिंग की जगह मल्टी क्रॉपिंग करो ना आप एक जमीन पे एक की जगह दो फसल लगाओ ना तो अगर एक का प्राइस आपको कम भी मिल रहा है तो दूसरे का ज़्यादा मिलेगा है ना तो जो भी फसल सेम सीजन पर हो सकती हैं दो फसल हो सकती हैं तो आप अपनी जमीन पर एक ना लगा के दो फसल लगाओ आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा और आप उस चीज़ में ये भी कर पाओगे कि अगर एक खराब हो गई तो दूसरी सही है यार कम से कम है ना तो क्या है मार्केट uh, रिस्क कम हो जाएगा और सभी क्रॉप्स के जो प्राइस हैं वो एक साथ ना गिरेंगे ना बढ़ेंगे इफ़ वन क्रॉप वैच इज़ लो रेवेन्यू एक में अगर कम आया तो दूसरी आपको शायद ज़्यादा कमा के दे देगी तो डाइवर्सिफिकेशन से एक तो स्टेबिलाईजेशन आता है और मार्केट रिस्क कम हो जाता है ये दो वर्ड याद रखना स्टेबिलाइजेशन आएगा और मार्केट रिस्क कम होगा ज़रूर लिख के आना नेक्स्ट क्या है डाइवर्सिफ़िकेशन कैसे करा जाए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के देखो सबसे पहले तो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि भैया आप सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे चले जाओ एक क्रॉप की जगह मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करो ये तो हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी ही डाइवर्सिफाई करते हैं यानी कि एक्टिविटी ही एक नहीं करेंगे मल्टीपल करेंगे जैसे फार्मिंग कर लिया फार्मिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हॉर्टिकल्चर कर लिया पशुपालन कर लिया है ना या फिर फिशिंग में चले गए या फिर डेयरी में चले गए बी कीपिंग कर ली अलग अलग चीजें कर सकते हैं तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी की एक्टिविटी ही मल्टीपल कर दी एक तो सिर्फ फार्मिंग कर रहा था फार्मिंग को ही डाइवर्सिफाई कर रहा था सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग और दूसरा होता है एक्टिविटी ही बदल दी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये एग्जाम में बना के आनी है आपको देखो क्या आ रहा है सबसे पहले आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इट एम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग इनटू मल्टी क्रॉपिंग वेयर मींस प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप एक क्रॉप की जगह हम कई सारी क्रॉप्स ग्रो करेंगे दो तीन क्रॉप्स ग्रो करेंगे ताकि हम अच्छा ग्रो कर पाएँ इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क रिस्क कम हो जाएगा प्राइस फ्लक्चुएशन का वही स्टेबिलिटी आ जाएगी रिस्क कम हो जाएगा और अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो क्रॉप फार्मिंग से शिफ्ट कर दो अदर एरियाज के साथ साथ इट मीनस अदर एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास वो सब हमारे एमरजिंग चैलेंजेस में आ जाएंगे एमरजिंग चैलेंजेस क्या हैं अब देखो यही तो चैलेंज है कि अगर शिफ्ट करना है भाई एक तो हो गया कि सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ गए वो तो वही है लेकिन अगर एक के साथ एक और साइड में चीज लगानी है तो वो एक चैलेंज है चैलेंज क्यों है आओ देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर अगर एग्रीकल्चर से बाहर निकलूँ तो क्या क्या ऑप्शन है नंबर वन एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री पशु पालन कर लो भाई एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग ब्रीडिंग रेजिंग रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं इसको हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं इसमें हम कैटल गोट फूल्स डक गूज ये सब इन सभी स्पीशीज का पालन करते हैं और फिर इनके प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमाते हैं ठीक है कई बार तो इन्हीं को बेच के पैसा कमाते हैं इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम फूड सिक्योरिटी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली ठीक है दे आर वेरियस प्रॉब्लम इन लाइफ स्टॉक सेक्टर टू लेकिन इस सेक्टर के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमारे पास वेट्स नहीं है वेटेनरी केयर नहीं है यानी डॉक्टर्स नहीं है अगर बीमार हो गए जानवर तो सारे बीमार हो जाते हैं कई बार सबकी डेथ हो जाती है बेचारे बोल तो सकते नहीं है तो सारे बीमार हो जाते हैं डेथ हो जाती है वहां पर नुकसान हो जाता है बहुत सारा नंबर टू लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बैकवर्ड नो हाउ हमें पता कुछ नहीं है इनके बारे में तो बैकवर्ड रहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं है तो इससे कुछ कमा नहीं पाते ठीक है।, है तो एक तो हो गया एनिमल हजबेंड्री फिशरीज फिशरीज आप सब जानते हो फिश ये कई स्टेट्स में एक मेजर ऑक्यूपेशन है फिशरीज टू टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश और अदर एनिमल्स फिशरीज सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री लेकिन ये जो फिशिंग कम्युनिटी है ये भी बहुत पुरानी कम्युनिटी है और बहुत पुराने समय से कर्जों में है इनका कर्जा भी अभी तक चुकाया नहीं गया है द फिशिंग कम्युनिटी डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन लैंड सोर्सेज एंड मेराइन सोर्सेज दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं लैंड सोर्सेज भी और मेराइन सोर्सेज भी पानी वाली भी और ज़मीन वाली भी दोनों स्पीशीज दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं लैंड सोर्सेज में क्या क्या आते हैं छोटे छोटे रिवर्स हो गए पॉन्ड्स हो गए लेक्स हो गए सीज हो गए है ना टुगेदर दीज सोसेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज इनको हम वाटर बॉडीज बोल देते हैं जो फिशिंग कम्युनिटी को बेसिक सबसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सही है जी इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें एक तो टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है ये देखो वही स्टिक से मछली पकड़ रही है कोई नई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं, नहीं आई है उसके बाद फिशिंग कम्युनिटीज आर बर्डन विद डेट्स मैंने आपको पहले बताया कर्जा बहुत है इनके ऊपर और लो पर कैपिटा अर्निंग बहुत कम है पर कैपिटा अर्निंग काफी कम है इस सेक्टर में नेक्स्ट आता है बेटा जी हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर आप जानते ही हो हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फसल नहीं लेते मतलब वीट राइस के साथ साथ हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं इट इज़ अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इट इज़ लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इट इंक्लूड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स बिसाइड सेवरल अदर्स क्रॉप्स इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज मैंगोज हो गए बनानाज हो गए कोकोनट हो गए कैशूज हो गए वैराइटी ऑफ स्पीशीज हो गए इंडिया इसमें काफ़ी आगे है हॉर्टिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट मीनस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन रूरल एरियाज देन वी हैव कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री कॉटेज और हाउस होल्ड हमारे पास जो हमारे हाथों से बने हुए हैंडलूम्स हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए भी इंडिया में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं जब आप रूरल एरियाज में देखोगे तो एग्रीकल्चर के साथ साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घर से ही चल रही हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच ऑपरेट एट अ स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ एन ऑपरेटेड आउट ऑफ अ होम रदर देन अ परस बिल्ड फैसिलिटी घर पर ही बनता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री हैव बीन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉन फार्म ट्रेडिशनल सोर्स है द इंडस्ट्री हैज बीन डोमिनेटेड बाय एक्टिविटीज लाइक स्पिनिंग वीविंग डाइंग एंड ब्लीचिंग इसमें स्पिनिंग वीविंग डाइंग ब्लीचिंग ये काफी पुराने समय से कढ़ाई बुनाई हमारे देश में चलती आ रही है ठीक है सही है अब कुछ नई एक्टिविटीज भी आ गई है इसके अंदर जैसे डोल मेकिंग सोप मैन्युफैक्चरिंग मशरूम का कल्टिवेशन ये नए नए तरीके की चीजें हैं जो इसमें आ रही है देन वी हैव डेयरिंग सब जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यानी हम जब भी बात करते हैं दूध दही घी पनीर मक्खन सब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता है डेरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वाल्वस ब्रीडिंग रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर और द लास्ट थ्री डिकेट्स इम्प्रेसिव पिछले 30 सालों में शानदार काम करा है, है हमारे डेयरी सेक्टर ने ड्यू टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम सेवनटीन मिलियन टन नंबर की तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफी डेवलप हुआ और वर्ल्ड में नंबर वन पे आते हैं ऑल थैंक्स टू वाइट रेवोल्यूशन ठीक है जी परफेक्ट चलो जी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है द ऑर्गेनिक फार्मिंग तो क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे हमारे नेचुरल एनिमल मैन्योर कंपोस्ट इस तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो और ऑर्गेनिकली चीज़ें ग्रो करें यानी विदाउट द यूज़ ऑफ़ एनी केमिकल्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है जब से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वापस से ट्रेंड आ गया है भाई हेल्दी फूड मिलता है विदाउट केमिकल्स होता है हाँ काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्शन होता है इसके अंदर बट बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं और लैंड के लिए भी अच्छा है सॉइल के लिए भी अच्छा है तो क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग

और फर्दर भी हम क्रॉप्स ग्रो करते रहें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इसके एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ नहीं होंगे जैसे कि जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं सब पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं भाई पेट्रोल ख़त्म होगा फ्यूल ख़त्म होगा तो दिक्कत रहेगी ना नॉन रिन्यूएबल है तो अब क्या होता है हम जब यूज़ ही नहीं करेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ ही नहीं कर रहा वो सेव होगा कितना ज़्यादा हम उसको और बेटर वेज में यूज़ कर पाएंगे और सॉयल के लिए भी अच्छा है राइट अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग डजेंट यूज़ सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड वी ऑल नो दैट पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी है क्योंकि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स से एक तो हमारे अंदर ही केमिकल्स जाएंगे दूसरा कितना सारा वाटर पोल्यूशन होता है लैंड पोल्यूशन होता है तो उन सब चीजों से तो अच्छा है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल फर्टीलाइजर्स पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर बाय रेजिंग द नाइट्रेट कॉन्टेंट नाइट्रेट कॉन्टेंट काफी बढ़ जाता है नाइट्रेट्स आर हेल्थ हेल्थ होते हैं एंड पॉल्यूट द एनवायरमेंट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी बेसिक सी बात है कि जमीन अच्छी रहती है फर्टाइल रहती है किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती चौथा होता है हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड का मतलब है कि जो आपको खाना मिलेगा वो काफ़ी हेल्दी होगा और टेस्टी होगा शानदार होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिख देंगे इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है कोई बहुत महंगी नहीं है किसानों के लिए अच्छा है छोटे से छोटा फार्मर भी इसको अफोर्ड कर सकता है और किसी भी तरीके की कोई समस्या इसमें नहीं है ठीक है जी इट कैन नॉट बी डिनाइड क्या लिखा हुआ है देखो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स लेसर ये क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो लेसर ईल्ड होता है फिर भी हम उसको क्यों यूज करें ठीक है एंड इज देयर फॉर नॉट कॉस्ट एफिशियंट इसलिए बढ़िया नहीं है द फैक्ट दैट ऑर्गेनिक फूड्स आर इन हाई डिमांड भाई डिमांड बहुत ज्यादा है हाइयर प्रोडक्ट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कंपनसेट फॉर लोअर ईल्ड बट लोग इसके लिए ज़्यादा भी पे करते हैं अब देखो अगर हम बात करें पैकेट वाले मिल्क की तो हमारे सिटी में ऐसा होता है कि अगर पैकेट वाला मिल्क सिक्सटी रुपीज़ का है तो लोग फ्रेश मिल्क के सेवेंटी फाइव एट्टी हंड्रेड भी पे कर रहे हैं अगर मिल्क अच्छा है गुड क्वालिटी है सेम केस इज विद ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल लोगों का एक बिहेवियर चेंज हुआ है लोग बोलते हैं भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना तो ज्यादा पैसा भी देने को तैयार है अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है राइट तो वहां से कवर हो सकता है ओवरऑल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड सर्टेनली मेक इट मोर अट्रैक्टिव देन कन्वेंशनल फार्मिंग उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है कन्वेंशनल फार्मिंग से तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक अच्छा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट समाप्त और अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में एक और चैप्टर जो कि बहुत ही सरल है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेनली चैलेंजेस के ऊपर है रूरल एरियाज में नंबर वन क्रेडिट नंबर टू मार्केटिंग ये अच्छे से देख लिया उसके बाद जब हम नए तरीके के चैलेंजेस की बात करते हैं जो हमारे पास एमरजिंग चैलेंजेस है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो हमारे पास ऑप्शन हैं अदर देन फार्मिंग फॉर लेवलीहुड ये पता होने चाहिए तो आई होप चीजें क्लियर है मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में तब तक ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़ते रहो Keep growing and keep glowing.